ਨੰਦੂ ਪੱਪੂ ਓਏ ਆਓ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਨੰਦੂ ਪੱਪੂ ਆਓ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਲਾਇਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੋ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਯੇ ਹੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਇਸੇ ਥੈਲਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵਹੀ ਨਾਦਾਨੋਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਮੰਮੀ ਜੀ ਅਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਯੇ ਨਾ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਮੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਮੇ ਜੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਥੈਲੇ ਮੇ ਪੁੱਛੋ ਤੋ ਜਾਨੂ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾ ਟਿਕਟ करेला नंदू पुत्र करेला कभी खुशखबरी नहीं होती और चंदू मैंने तुझसे ना अपनी खुशखबरी पूछी है तेरी खुशखबरी नहीं पूछी मम्मी जी समझ में नहीं आ रहा आप ही बता दो ना तो ठीक तैयार हो जाओ ये देखने के लिए कि मैंने मॉल में क्या जीता है क्या मम्मी जी ये खुशखबरी पे खुश हो रही थी आप ओए फ्री का माल हमेशा ही खुशखबरी होता है वो तो है ये अच्छा है गिफ्ट में मिली है वजन नापने वाली मशीन और खरीद के लाई है सारा वजन बढ़ाने वाला सामान वेरी गुड ओए कोई वजन बढ़ाने वाला सामान नहीं है हम पंजाबी हैं ये हमारा हेल्दी वेल्दी फूड है आलू के पराठों में मक्खन शक्कर ना हो तो मजा ही नहीं आता क्यों भाई नंदू हाँ हाँ मम्मी जी बिल्कुल सही वो तो दिख रहा है ओए हमारा कोई वजन वजन नहीं बढ़ता हम सब पचा लेते हैं हाँ तो आप कह रही है ये सब खा के वजन नहीं बढ़ेगा नहीं वो सब तो पसीने में बह जाएगा ना तू देख लेना मम्मी जी जब से आप आई है ना इन सब का वजन बढ़ गया है इतना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है मम्मी जी किसी का कोई वजन वजन नहीं बढ़ा अगर तुम लोग चाहो ना तो नाप के देख लो ठीक है नंदू तो फिर तुम नापो मेरा वजन तो उतना ही है अब तो मैं खा सकता हूँ देख लिया पप्पू अब तुम नापो भाई मेरा भी वजन नहीं बढ़ा देखा है तो इतना खाना जाता कहाँ है अभी मुझे क्या पता आधा खाना तो और आधा पता नहीं कहाँ जाता दिखाई नहीं देता ठीक है मम्मी जी आप नापिए नो 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 उफ ये लड़की ना मानेगी नहीं लो जी मेरा कैसे बढ़ जाएगा आई एम सो स्लिम एंड ट्रिम जीरो फिगर उतने का उतना ही होगा पांच किलो बढ़ गया पांच किलो बढ़ गया खामोशिया बेचैनिया नादानिया अरे मम्मी जी इतनी देर क्यों लगा रही हो लगता है वजन बढ़ गया है ना तो चाल धीमी हो गई है लाओ जी लाओ ये रहा सेहतमंद नाश्ता मम्मी जी हम ये घास फूस खाएंगे क्या चुपचाप खा ले वरना ये भी नहीं मिलेगा फिर बाद में जाके ना तबेले में चरना पड़ेगा तुझे और मम्मी जी हमारा वो पंजाबी नाश्ता पराठे मक्खन लस्सी वो सब वो आज से बंद पुत्र अपनी सेहत देख देख कैसे तोंद निकली हुई है बाहर यही खाना पड़ेगा सबके लिए यही अच्छा है ले मेरा बच्चा खा मेरा लाल ए चंदू चल उधर भी डाल दे ये बिल्कुल ले ले हाय 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 ले पप्पू डाइट फूड अरे पप्पू हाँ चल खा बढ़ाया लाड साहब मम्मी जी ये खाना तो वजन घटाने के लिए होता है ना और फिर मुझे देख के तो और ये दोनों भी नॉर्मल है पुत्र
अब इसे संभालने के लिए ना तो वजन बढ़ सकता है, इसलिए ऐसा ही खाना पड़ेगा। मैंने कह दिया बस, कह दिया। मम्मी जी लो चम्मच। मम्मी जी मैं जानना चाह रहा था कि हफ्ते में 2-3 बार तो वो पराठे मक्खन लस्सी तो मिल ही जाएंगे ना। मेरे लाल वो अब इतिहास हो चुका है और इतिहास दोहराया नहीं जाता। मम्मी जी इसका मतलब हम भी इतिहास होने वाले हैं। अब कोई सवाल नहीं करेगा, चुपचाप नाश्ता करो। यार चंदू मेरी तो हालत खराब हो रही है। हाँ यार, तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी हालत खराब ही है। अरे चंदू ये अत्याचार है। हाँ, हर औरत के जीवन की यही कहानी। अरे मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या अत्याचार हो गया? अरे चंदू मम्मी जी को ये डाइट वाला घास फूस खिलाने से रोकना होगा यार, वरना हमारी कलरफुल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ तो ऑलरेडी इतनी कलरफुल है नंदू, थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यार चंदू मुझे तो अभी से इतनी सारी भूख लगी है, लगता है आज लंच में भी यही सब घास फूस मिलेगा खाने को। सिर्फ लंच और डिनर में नहीं, चाय भी बिना चीनी की मिलने वाली है, क्योंकि सासू माँ ने किचन से चीनी का पूरा डब्बा गुल कर दिया। अरे ऐसे तो मैं मर जाऊंगा यार। भाभी कुछ खाने को पड़ा है क्या? अरे वहाँ किचन में ना बिस्किट है ना वेफर है, सिर्फ वो डाइट चिवड़ा और स्प्राउट्स पड़े हैं। तो तू कुछ करो वरना भरी जवानी में तू विधवा हो जाओगी। और मैं चिवड़ा? ऐसे ऑफर बुरा नहीं है। मजाक मत करो चंदू यार। अच्छा ठीक है ठीक है, मम्मी जी से बात करते हैं। उफ, ये तेल घी वाली रेसिपी लोग हेल्थ मैगजीन में क्यों डालते? मम्मी जी पुत्र नंदू तू देखना आज रात डिनर में मैं तेरे लिए क्या बनाती हूँ। इसमें ना एक मस्त रेसिपी मिली है। क्या है मम्मी जी, कोफ्ता या मुगलाई? सलाद है, सेहत से भरपूर, मोटापा करे दूर। मम्मी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। रियली? यही ना कि तुम लोगों को नाश्ता बहुत पसंद आया। चिंता मत करो बेटा, अब तुम लोगों को ऐसा ही नाश्ता मिला करेगा। आहो मम्मी जी। कल उसमें जहर डाल देना, एक ही बार में काम तमाम। क्या बोला? मम्मी जी प्लीज ऐसा खाना मत बनाइए ना। सब चंदू कह रही थी। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो पप्पू कह रहा था। मम्मी जी मैं कैसे कह सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कह रहा था। समझ, तुम लोगों को हेल्दी खाना पसंद नहीं। मम्मी जी दरअसल ऐसा खाना खा के हम लोग मर जाएंगे। हाँ मम्मी जी, मैं तो वैसे इतना पतला दुबला हूँ, वो खीरा और ककड़ी खा के तो मैं और लकड़ी हो जाऊंगा। मेरी तो बहुत जल्द शादी भी होने वाली है, शादी के बाद तो ताकत की जरूरत होती है ना। अरे मुत्तेरे, आई मीन गृहस्थी संभालने के लिए ना। किसी को कुछ नहीं होगा, हेल्दी खाने से हेल्थ अच्छी रहती है। मेरा फैसला अटल है। वैसे मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, डाइटिंग की जरूरत तो लेकिन आपको है, वजन तो आपका बढ़ा हुआ है। तो फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? ये बात। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम्हारा भी वजन ना बढ़ जाए इसलिए ऐसा खाना खिला रही हूँ। अब कोई बहस नहीं करेगा, जो मैं बनाऊंगी ना वही खाना पड़ेगा बस। मम्मी जी अब क्या करेंगे भाई? अरे अब तो कुछ खाया भी नहीं है तो करेंगे कैसे? अबे गंदे आदमी, वो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, डाइटिंग का क्या करेंगे यार? अरे उसका टेंशन तो मैं खुद लेकर बैठा हूँ यार। यार चुप करो तुम दोनों, भूख तो मुझे भी बड़ी लगी है। रुको कुछ सोचने दो। सोचो सोचो जल्दी सोच रहे। क्या कर रही हो यार? हम लोग बाहर ठेले वाले से कुछ चटपटा सा मंगवाते। पर चंदू
ठेले वाला अपना खाना हमें क्यों देगा, तो वो खुद क्या खाएगा? अरे मैं ठेले वाले से खरीद के मंगवाने की बात कर रही हूँ, उसके घर से नहीं मंगवाना है। हाँ भाभी, मेरे लिए तो मुर्ग मसाला मंगवा लो। हाँ, और मेरे लिए ना तंगड़ी कबाब। ओ हेलो, मैं ठेले वाले से मंगवाने की बात कर रही हूँ, किसी फाइव स्टार होटल से नहीं। चंदू, उसके बिना तो मजा भी नहीं आएगा। ठीक, तो फिर रहने दो। अबे भाई क्या कर रहे हो, भागते भूत की लंगोटी सही। भाभी मंगवा लीजिए जो मंगवाना है। ठीक है नंदू, तुम जाओ ठेले वाले से कुछ चटपटा सा लेकर आओ, तब तक मैं और पप्पू मम्मी जी की सेटिंग करते, उनको कमरे में भेजते, मम्मी जी करेंगी आराम और हम लोग करेंगे खाने का काम तमाम। Done. Yes. खामोशियां बेचैनियां ना दानियां।